भारत टीम को मिला दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज। दोस्तों, इस बल्लेबाज ने T20 में ठोक दिए 138 रन और अकेले दम पे मुकाबले को जिता दिया इंडिया को। आप भी जानना चाहते हो खिलाड़ी कौन है, तो इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत टीम में एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए हैं। पहले दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी हुआ करते थे, उससे पहले सुनील गावस्कर थे और फिर युवराज सिंह, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा बहुत भयंकर बल्लेबाज ऑलराउंडर हैं। साथ में दोस्तों भारतीय टीम को ऐसा खिलाड़ी मिल चुका है जो अकेले दम पे भारतीय टीम को जिता देगा और पिछले 5 मैचों में 3 शतक ठोक चुका है। दोस्तों, इस खिलाड़ी का नाम है सरफराज खान। दोस्तों, सरफराज खान ने हाल ही में ईरानी कप में कमाल की बल्लेबाजी की। एक मुकाबला खेला गया ईरानी कप का सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। दोस्तों, सौराष्ट्र की टीम ने 98 रन बनाए पहली पारी में, जिसके जवाब में रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने 374 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए, जिसमें सरफराज खान ने सर्वाधिक 138 रन की पारी खेली, जिसमें 20 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साथ में हनुमा बिहारी ने भी 82 रन लगाई। दोस्तों, इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में जगह मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें।